बिम्बिसार आने वाली तेलुगु मूवी है। बिम्बिसार के निर्माताओं ने कुछ समय पहले फिल्म का शानदार ट्रेलर जारी किया था और तब से इंटरनेट पागल हो गया है। दो मिनट 29 सेकंड के लंबे ट्रेलर प्रशंसकों के लिए एक दृश्य उपचार में नंदमूरी कल्याण राम, कैथरीन ट्रशा और संयुक्ता मेनन सहित कलाकारों की टुकड़ी है। मलिदी वशिष्ठ द्वारा निर्देशित शानदार बीएफएक्स ग्राफिक्स के साथ मगध के फंतासी साम्राज्य ने अधे त्रिगत तल साम्राज्य कटकाली की तल वंची मानी सलाइते ओ कटकम सैसिस्ते तो वो राज्य मीसम मिले। जेफ्ट के प्रशंसकों को फिल्म से और भी अधिक उम्मीदें दी थी। यदि ट्रेलर कुछ भी हो, बिम्बिसार द्वारा जाने के लिए एक हेलवा दृश्य असाधारण होने का वादा करता है। ट्रेलर ने हमें कल्याण राम और विरोधियों के बीच महाकाव्य युद्ध की कई झलकियां दी और यह निश्चित रूप से साहसी स्टंट और भव्य युद्ध सेट के साथ हमारे दिमाग को उड़ा देगा। दृश्य अनुभव या नामांकित पात्र, आगामी फंतासी एक्शन ड्रामा निसंदेह 2022 की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है। मेगा ट्रेलर ने हमें एहसास दिलाया कि फिल्म में देरी क्यों हुई। भव्य सेट और निश्चित रूप से महाकाव्य युद्ध के मैदान ने हमें फिल्म की रिलीज के लिए अचंभित और अधिक बेचैन कर दिया है। ट्रेलर का मुख्य आकर्षण एमएम किरवानी द्वारा रचित संगीत है। उच्च आकेटन युद्ध के दृश्य, बीएफएक्स भावनाएं और नाटक निश्चित रूप से प्रशंसकों को अपने टिकट बुक करने के लिए सिनेमाघरों में ले जाएगी। इसकी भव्यता हर तरफ से संभव है। यह लगभग 50 करोड़ रुपए के बजट पर बनी फांतासी नाटक का निर्माण कोई और नहीं बल्कि नंदामूरी कल्याण राम कर रहे हैं। फिल्म के साउंड ट्रैक को ची रतन भट्ट द्वारा ट्यून किया जा रहा है। छोटा के नायडू सिनेमेटोग्राफर के रूप में बोर्ड पर है और विकना थम्मी राजू संपादक होंगी। बहुचर्चित फिल्म 5 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। नंदमूरी कल्याण राम स्टारर महाकाव्य फिल्म बिम्बिसार जल्द ही अपनी भव्य रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म के निर्माता, जो इस पौराणिक कथा पर आधारित नाटक के प्रचार में व्यस्त है, ने रिलीज से पहले अंतिम रन टाइम का खुलासा किया है। बिम्बिसार टीम के अनुसार फिल्म के लिए अंतिम रन टाइम 2 घंटे 26 मिनट पर तय किया गया है, जो एक उचित है शैली के लिए। हालांकि टीम फिल्म के लिए सेंसरशिप प्रमाण पत्र प्राप्त करने का इंतजार कर रही है। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।